सूरज की किरणें ऐसे ही आपका स्वागत करेंगी, चिड़ियों की सुरीली आवाज से आपकी नींद खुलेगी। नंदा घुंटी की पहली झलक देख आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लहलाते खेतों और घने जंगलों के बीच अचानक आपको ठंडी हवा का झोंका सुबह की ताजगी का एहसास कराएगा। गुनगुनी धूप में आप घंटों बैठकर प्रकृति को बस केवल निहारते रहेंगे। बस यही तो है जो आपको नई दुनिया की सैर पर ले जाएगा। चले आइए चमोली जिले में स्थित एक खूबसूरत और प्यारा गांव, जिसे मिनी मसूरी भी कहा जाता है। नाम है लोहाजंग। नंदा राजजात यात्रा पड़ाव का एक खूबसूरत गांव। आपने मसूरी की सैर तो की होगी, आज हम आपको मिनी मसूरी की सैर करा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप गुसाई और रूरल ट्रेल्स का जो सफ़र है वो लोहाजंग पहुंच गया है, जो नंदा लोकजात में एक बेहतरीन जो स्थल है वहां पर है, जो मुंदोली और वाण के बीच एक कस्बा है और जो दो गांव हैं बांक और मुंदोली उनके बीच में एक धार में बसा हुआ है। क्या कहानी है लोहाजंग की वो विस्तार से बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम करीब 10 बजे का समय हो गया है, हम जा रहे हैं आजन टॉप, जो यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक खूबसूरत स्थल है जहाँ से पूरा इलाका दिखता है। दोस्तों, ऐसा नाश्ता और ऐसा नज़ारा। सामने जो पीक दिख रही है वो है नंदा घुंटी। लोहाजंग जो है वो वाण और कुलिंग गांव से पहले पड़ता है और सीनिक ब्यूटी ऐसी है कि ये किसी गांव की तरह नहीं बल्कि एक खूबसूरत और प्यारा हिल स्टेशन की तरह लगता है। जो लोहाजंग है वहाँ की आबोहवा इतनी प्यारी है कि यहाँ आप यहाँ कई दिनों तक रह सकते हैं, कई दिनों तक, और इस समय तो खुली गुनगुनी धूप है तो नाश्ते का आनंद लेते हैं। जहाँ पर मैं रुका हूँ यहाँ का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं लिंक नंबर दे दूँगा नीचे कि यहाँ आप रुक सकते हैं। काफ़ी पुराना ये होम स्टे है और काफ़ी प्यारे लोग भी हैं यहाँ। सर, लोहाजंग अपने आप में एक पौराणिक रूप से लोहाजंग को लोहाजंग धार के नाम से जाना जाता था और एक्चुअली ये एक प्रकार की धार है, एक पास है। पास बोले तो इधर से लोगों का आना होता था और उधर क्रॉस करना होता था, तो उसको पास कहते हैं। जैसे हम हाई एल्टीट्यूड में भी जाएंगे तो पास ही नाम से जाना जाता है, आर्मी में भी पास से जाना जाता था। ये पौराणिक तथ्यों के आधार से देखा जाए
तो लोहाजिंग एक सुंदर जगह है सर। यहाँ पर लोग अपने देवी देवताओं का पूजन करते थे ऊँचे स्थान में। तो ऊँचे स्थान से ये होता था कि भैया चलो कैलाश दिखाई दे रहा है, और तो हमारे जो देवी देवता हों कैलाश के साथ सम्मिलित हो जाया करते थे। ये मुंदोली और बांक का सीमांकन है, धार जो है वो सीमा है। इस साइड हमारे लेफ्ट में बांक पड़ता है और राइट में मुंदोली पड़ता है। एक समय था कि बांक मुंदोली एक हुआ करता था। अब क्या है कि जो ये लोहाजिंग है ये सुंदरता के मामले में या ये जो छोटा सा बाज़ार है ये विगत 20 और 25 साल के बीच में बसा हुआ है, क्योंकि पहले यहाँ पर फॉरनर लोग चलते थे। और ये कर्जन रोड से भी लिंक करता है, ग्वालदम से हमारी कर्जन रोड चलती है, तो यहाँ आगे जो ट्रैक है पूरा कर्जन रोड से पहले ट्रैकर चला करता था और उसमें फॉरनर चलते थे और कुछ बंगाली पश्चिम बंगाल के लोग चला करते थे। हुआ क्या कि धीरे धीरे जब नेट और ये इंटरनेट इनकी सुविधाएँ हुई तो लोगों का फोकस इधर को हो गया। यहाँ पर जो है कि इतनी पहली व्यवस्थाएँ थी नहीं और लोग अपने पीठ पर सामान कैरी करके ट्रैक करते थे। और ये लोहाजिंग पे ये जो हमारा बंगला है यहाँ पे सामने, इसमें नाइट होल्ड करते थे और जो कुछ था इस बाज़ार का यही था। आज तो पर्यटन डिपार्टमेंट से या अन्य विभागों से ऋण लेकर लोगों ने अपने लॉज बना दिए हैं और टूरिस्टों के लिए काफ़ी हेल्प हो चुकी है। यह है जेम्बियन का गेस्ट हाउस। ये पहुंच गए हैं माजन टॉप। ये देखिए कितना खूबसूरत, एक छोटा सा, छोटा नहीं बहुत बड़ा, ऊपर दिखाते हैं आपको कितना बड़ा। दोस्तों ये है आजन टॉप, जो मुश्किल से लोहागंज से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसे हम बुग्याल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक मीडो है, एक ग्रासलैंड ज़रूर है। घास का बहुत बड़ा मैदान है, करीब आधा किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई होगी। और यहाँ से जो नज़ारा होता है, अगर मौसम साफ़ हो तो आप नंदा घुंघटी, त्रिशूली, उसके अलावा घेस, जो आसपास के तमाम गाँव है, इधर मुंदोली है तो ये, और सामने जो वाण है, ये तमाम गांव आप यहाँ से खूबसूरत नज़ारे देखते हैं। सोचिए जब इस पर इस जगह पर पूरी बर्फ़ की सफ़ेद चादर होगी तो कैसा नज़ारा होगा उस समय। तो ये जो ट्रैक है या फिर ये जो गांव है, मैं फैमिली के लिए रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पारिवारिक हैं या उन बुज़ुर्गों के लिए जो 60 से ऊपर हैं या बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैक जैसे ब्रह्मताल है या बेदनी बुग्याल है वहाँ नहीं जा सकते, उनको ऐसी जगह चाहिए जो एकांत हो और छोटे उसमें ट्रैक हो, तो उनके लिए ये बेस्ट जगह है लोहाजंग और अजान टॉप। ये मंदिर से भी एक जन श्रुति जुड़ी हुई है, देव सिंह देवता का ये मंदिर है। और इस अजान टॉप पे जो सामने नीचे मुंदोली गांव है वहां के ये देवता बताए जाते हैं। जनश्रुति है कि वहाँ पे एक छोटा बच्चा था, उसकी माँ ने जो पानी के लिए उसको कहा तो उसने ज़मीन खोदी और पानी निकाल आया, और उसके बाद जब
वो अपने माँ के पास गया तो वो भीगा हुआ था और उसके बाद अचानक वो वहाँ से यहाँ आ गया। तो ये एक जनश्रुति है, अलग अलग कहानियाँ हैं लोहाजंग के बारे में भी, कई जनश्रुतियाँ हैं कि कैसे ये स्थान पर माँ नंदा की डोली आती है, बसती है। जो नज़ारा है यहाँ से वो बहुत बेहतरीन है और चारों तरफ 360 मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा। ये देखिए, जब मौसम साफ रहेगा तो नज़ारे, मतलब यहाँ आकर आप रिलैक्स हो सकते हैं, सुकून आनंद मिलता है यहाँ पर आके, बेहद आनंद। अंग्रेज जब आते थे लोहाजंग और वाण और बेदनी बुक्याल या लॉर्ड कर्जन ट्रैक पे, तो ये उनका एक पड़ाव हुआ करता था, यहाँ पर वो रुकते थे और अंग्रेज यहाँ पर गोल्फ भी खेलते थे। तो ये बेहतरीन गोल्फ कोर्स बन सकता है, मतलब एक गोल्फ का मैदान बन सकता है। बहुत जगह है, बहुत लंबा चौड़ा है, एक करीब आधा किलोमीटर लंबा चौड़ा है और यहाँ पर गोल्फ खेलने का मज़ा ही कुछ और होगा इस मखमली घास के मैदान में, सोचिए आप। जो बुजुर्ग है उनके लिए बहुत बढ़िया है, अपना सुबह आए यहाँ दिन में दिन तक रहे दो तीन घंटे रख लो, एक बोतल पानी की, पानी ज्यादा प्याज भी मिले यहाँ पर ना। क्या नाम है तुम लोगों का बताओ? रुके जरा। और दिवाकर कुनियाल और विपिन कुनियाल। पढ़ाई हो रही है? हाँ। बहुत बढ़िया। लोहाजंग में आपको ट्रैकिंग से जुड़े हुए हर सामान मिलेंगे, जूते से लेके जैकेट स्टिक जितना भी खास तौर पे विंटर में जो यूज होता है, स्लीपिंग बैग मैट्रेस ये सब रखे हुए हैं। लोहाजंग को हम मिनी मसूरी क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे भी वजह है। जो कूल वेदर मसूरी का है, लगभग वैसा ही जो एटमॉस्फेयर है वो लोहाजंग का है, बिल्कुल धार में बसा हुआ है, जैसे मसूरी बिल्कुल एक स्ट्रीट लाइन में बसी हुई है, तो लोहाजंग भी उसी तर्ज पर विकसित हो रहा है। जो ब्रह्मताल भेकलताल या फिर जो और भी ट्रैक हैं, रूपकुंड या फिर बेदनी आली, इन सब का भी बेस कैंप के तौर पर ये विकसित हो रहा है, यानी जो सामान और जो तमाम उपकरण होते हैं वो लोहाजंग में हैं। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक ऐसा हिल विलेज स्टेशन इसको कह सकते हैं लोहाजंग को, समुद्र से इसकी ऊंचाई भी बहुत अच्छी है, लगभग 2300 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर है और यहीं से जो ट्रैक है वो ब्रह्मताल का जो विंटर एक्सप्लोर हो रहा है वो धीरे धीरे वो शुरू होता है। यहाँ पे दो ट्रैक होते हैं, एक रूपकुंड होता है
और समर और विंटर का होता है, एक ब्रह्मताल होता है, समर में रूपकुंड होता है, विंटर में ब्रह्मताल होता है, और यही चलता है। बाकी और जैसे ट्रैकर के लिए इक्विपमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है, ऑल अवेलेबल हियर, सब कुछ यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। टेंट हो गया, रेंटल फोर टेंट हो गया, शूज हो गया, स्लीपिंग मैट्रेस एंड क्लोथ का जो भी आइटम होता है वो सब अवेलेबल हो जाता है। बट बाकी पैकेज वैकेज का तो चला ही है सिस्टम। रेंट कितना रहता है कमरों का? रेंट कमरों का तो यहाँ पे मैक्सिमम कंपनियों को छोड़ के जो पर्सनल अपने लॉज होते हैं उनका रेंट 500 और 1000 के बीच में होता है, जैसे जैसे मतलब रेस्टोरेंट की फैसिलिटी होती है उसी टाइप से होता है। जी भाई साहब, इसकी जो मेन खासियत है, मसूरी के बराबर की इसकी जो हाइट है और प्लस जो इसका अपना नज़रिया जो दृश्य है इसका, इसकी महानता के हिसाब से इसको मिनी मसूरी के नाम से जो है हमने दर्जा दिया है। मैं प्रॉपर बांग गांव से हूँ, दार्जिलिंग मार्केट का हूँ, और इस मार्केट को संजोने में हम 4-5-6 लोगों ने काफ़ी सहयोग करा है। कुछ लोग तो शहीद भी हो गए हैं, बेचारे चले गए हैं। तो यहाँ का जो सौंदर्य जो दृश्य है तो उसी के माध्यम से जो यहाँ पे नज़ारे हैं, झरने हैं, पहाड़े हैं, और जो यहाँ का पर्यटन है और जो पर्यावरण है उसको देखते हुए इसको मिनी मसूरी का नाम दिया है। बेस्ट टाइम कब है लॉजिंग आने का? बेस्ट टाइम देखो, हर सीजन में बेस्ट टाइम है लॉजिंग आने का। आप जिस भी सीजन में आएँ, चाहे आप समर में आएँ चाहे विंटर में आएँ, क्योंकि यहाँ की जो वादियाँ हैं हमेशा एकदम शीतल होती हैं, यहाँ कभी गर्मी का आभास तो होता है नहीं। तब लोहाजंग की ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी? माँ नंदा की डोली जब गुजरती है लोहाजंग से तो इसी धार पर रुकती है, और अंग्रेज़ों का भी ये फेवरेट हिल पॉइंट था इस धार पर। यहाँ पर हर मौसम में आप आ सकते हैं, आबोहवा यहाँ की इतनी अच्छी है कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है, शांत वातावरण है, मिनी मसूरी है, मसूरी जितना क्राउड नहीं है। एक बार अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ की हसीन वादियों में से जाएंगे, आएंगे ना आप लोग? वीडियो कैसा लगा, पूरी कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय नंदा, जय हिमाल।